हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन किचन रेसिपी चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं एक केक की रेसिपी, और बहुत ही आसान सी केक की रेसिपी हम बनाने वाले हैं, और वो है ड्राई फ्रूट बनाना केक। और जो फ्रूट का केक आप बनाते हैं उसमें बनाना केक सबसे ज़्यादा डिलिशियस होता है और टेस्टी होता है, बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। और ये केक हम बनाने वाले हैं कुकर में, अवन का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया है 3 बनानास, अच्छे वाले राइप बनाना लीजिएगा जो अच्छे से पक चुके होंगे, हार्ड बनाना मत लीजिएगा। तो हम इसको करने वाले हैं स्मैश एक स्मैशर की हेल्प से। ग्राइंड बिल्कुल मत कीजिएगा बनाना को, वरना बनाना वाटरी हो जाएगा। तो बनाना को आप स्मैश करिए स्मैशर या फॉक की हेल्प से, और इसको अच्छे से स्मैश करके आप इसको साइड में रखिएगा। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में स्मैश होना चाहिए ताकि ज़्यादा वाटर ना हो जाए और अच्छा मीडियम एक थिक कंसिस्टेंसी में रहे। तो ये बनाना हमने स्मैश करके हम इसको रख देंगे साइड में। और नेक्स्ट हम लेने वाले हैं 1/2 कप शुगर। शुगर को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे 1/2 कप शुगर को। और यहाँ पे हम एक बाउल में ये मिक्स किए हुए शुगर को, जो ग्राइंड किया हुआ हमारा फाइन पाउडर शुगर है, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, जिसमें आप अपना बैटर बनाने वाले हो केक का, उस बाउल में हम इसको ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे एग्स, एग्स हम इसमें ऐड करेंगे 3 eggs। अब अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कर्ड के साथ, आप 1/2 कप कर्ड भी ऐड कर सकते हो अगर आपको एग्स नहीं डालना। बट एग्स के साथ ये जो केक का फ्लेवर होता है बहुत अमेजिंग होता है, तो आप एग्स ऐड करिएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जब तक शुगर और जो हमारा एग्स है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक आप इसको बहुत अच्छे से फेटिए, अच्छे से मिक्स करिए, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। तो जब ये दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, प्रेफरेबली ये सनफ्लावर ऑयल होगा, वेजिटेबल ऑयल होगा, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप ऑयल नहीं ऐड करना चाहते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर देना चाहते हो तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है 1 tablespoon ऑफ वेनिला एसेंस, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो ऑयल, शुगर और एग्स है, इन सभी चीज़ों को हमको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हाथ से मिक्स कीजिए, आराम से मिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा स्मैश करके रखा हुआ बनानास है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और बनानास को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये जो हमारा 1 cup ऑफ मैदा है जो हमने लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब 1 cup ऑफ मैदा को हम पूरी तरह से नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और बैटर में इसको मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे पूरी बैटर में। तो ये देख सकते हैं हमने पूरा हमारा 1 cup ऑफ मैदा इसमें ऐड कर लिया है, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक अच्छी थिक कंसिस्टेंसी की बैटर हमारी रेडी हो चुकी। अगर आपका बैटर आपको थोड़ा सा थिक लगता है तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है, क्योंकि हमने बनाना ऐड कर दिया है, तो इससे कंसिस्टेंसी नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर कंसिस्टेंसी आपको ठीक लग रही है तो आपको मिल्क बिल्कुल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब ये हमने ले लिया हमारा एल्यूमिनियम केक टिन, और इसको हम ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और जो हम बनाने वाले हैं इसको कुकर में, तो कुकर को हमको प्रीहीट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे बेकिंग पेपर रख दिया है केक टिन में, और जो हमारा केक बैटर रेडी हो चुका है इसको हम डालेंगे इसके अंदर, केक टिन के अंदर। सारा केक बैटर अच्छे से आप डालिएगा, और उसके बाद हम इसको अच्छे से डैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स ना हो और अच्छे से केक फ्लफ़ी बने। तो यहाँ पे कुकर हमने प्रीहीट करके ऑलरेडी रखा हुआ है 10 to 15 minutes के लिए आप प्रीहीट कर सकते हो। आप सॉल्ट डाल सकते हो और फिर एक स्टैंड रख सकते हो।
तो ये हमने अच्छे से डैप कर लिया। और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने डाले हैं चॉप करके रखे हुए काजू, और इसमें ऐड कर दिया हमने किशमिश, और साथ ही में ऐड कर रहे हैं ट्यूटी फ्रूटीज़। जो ट्यूटी फ्रूटीज़ मिलते हैं मार्केट में, जो अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा केक में और दिखने में बहुत ही सुपर्ब लगेगा। और ये आप अंदर ना ऐड करते हुए आप ऊपर ऐड करेंगे तो केक दिखने में बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। तो ये देखिए हमने ऐड कर लिया हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स। और अब हम जो प्री हीट करके रखा हुआ हमारा कुकर है, देखिए नीचे सॉल्ट रखा है, फिर हमने ऊपर स्टैंड रखा है और उसके ऊपर हमने अपना ट्रे रख दिया है, बेकिंग ट्रे, बेकिंग जो हमारा टिन है उसको रख दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। 30 to 40 minutes आराम से इसको लग जाएंगे। लो फ्लेम में आप इसको कुक कीजिए, आराम से 40 minutes में ये कुक हो जाएगा। और एक बार आप खोल के इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आपका नाइफ क्लीन निकलता है मतलब आपका केक आराम से रेडी हो चुका है। अब इसको इमीडिएटली मत निकालिएगा, इसको आराम से ठंडा होने दीजिएगा। 10 to 15 minutes में ये केक ठंडा हो जाएगा, तभी आप इसको निकालिए। और फिर इसको आप देखिए नाइफ़ की हेल्प से आप इसके एजेस अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि ये आसानी से निकल जाए, वरना ये एजेस में चिपक जाएगा। तो एनीवेज़ बट ऑयल डाला है तो ये चिपकने का टेंशन नहीं है। तो ये देखिए हमारा केक कितना क्लीन निकला है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है पीछे से भी। और ये बेकिंग पेपर हम इसको निकाल रहे हैं, देखिए नीचे से ये बिल्कुल भी नहीं जला है, आराम से ये केक रेडी हो चुका है कुकर में। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही यमी डिलिशियस लुकिंग केक हमारी रेडी हो चुका है। और ये नट्स डालने की वजह से ये दिखने में भी बड़ा ही अच्छा लगा है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बनाना केक की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आगे भी अच्छे वीडियोज़ लेके आया करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।